नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी कि लोग डिप्रेशन के शिकार क्यों होते हैं। मौजूदा दौर की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग अवसाद यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अवसाद कई बार तो कम वक्त के लिए होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति बिगड़ जाती है और अवसाद भयानक रूप ले लेता है। जब कोई व्यक्ति अवसाद यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति की रोजमर्रा के जीवन और काम काज में बाधा पहुंचती है, जिसके कारण उसे बहुत से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर मामलों में अवसाद से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज भी इलाज से बेहतर हो सकते हैं। इस रोग से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए अनेक औषधियां, साइकोथेरेपी और अन्य तरीके इजाद हुए हैं। अवसाद रोग का कोई एक ज्ञात कारण नहीं होता है। किसी भी अवसाद के कारणों यानी कि डिप्रेशन कॉजेज में आनुवांशिकता, बायोकेमिकल, वातावरण और मनोवैज्ञानिक संबंधी मिश्रित घटकों का समावेश होता है। अनेक शोधों के अनुसार अवसाद यानी कि डिप्रेशन से संबंधित बीमारियां मस्तिष्क के विकार हैं। जी हाँ, इसी वजह से परेशानी होती है लोगों को। MRI से जांचे आप शिकार हैं या नहीं इसके। जी हाँ, MRI जैसी मस्तिष्क को जांचने की तकनीक यह बताती है कि अवसाद और तनाव से पीड़ित लोगों के दिमाग उन लोगों से अलग होते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित नहीं होते हैं। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो मनोदशा, विचार, निद्रा, भूख और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, असामान्य तरीके से कार्य करता हुआ प्रतीत होता है उस स्थिति में। इसके अलावा मस्तिष्क की कोशिकाएं जिन आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का उपयोग संवाद के लिए करती हैं, वे असंतुलित पाए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें ये नहीं बताती हैं कि अवसाद क्यों उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, ये पता चल जाएगा कि अवसाद में है व्यक्ति, लेकिन क्यों है ये पता नहीं चल पाता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है अगर ठीक करना है मरीज को। तो जानते हैं अवसाद के कारण क्या क्या होते हैं। अवसाद के कुछ प्रकारों में परिवार में बसने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ, जिससे कि इस रोग को आनुवांशिकता से भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि अवसाद के शिकार वे लोग भी बन सकते हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य अवसाद से पीड़ित नहीं होता है। जी हाँ, आनुवांशिकता पर हुए शोध इस बात का इशारा करते हैं कि आनुवांशिकता अन्य घटकों के साथ जुड़ करके अवसाद के खतरे को और अधिक बढ़ा देते हैं। अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका है कि अवसाद किस वजह से होता है, मगर माना जाता है कि इसमें कई चीजों की अहम भूमिका होती है। जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जैसे कि मानसिक आघात, कटु अनुभव, सदमा, किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु, एक तनावयुक्त संबंध या कोई भी तनावदायक स्थिति अवसाद का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में अवसाद के दौरे बिना किसी कारणों के भी हो सकते हैं। इनके साथ ही अगर आपके मन में हर समय कुछ बुरा होने की आशंका रहती है तो इससे भी अवसाद में जाने का खतरा रहता है। कुछ मेडिकल कारणों से भी लोगों को अवसाद होता है, जिनमें से एक है थायराइड की कम सक्रियता का होना। जी हाँ, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स में भी अवसाद हो सकता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दवाओं में से है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा। जी हाँ, ये मुख्य रूप से कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके लिए जानी जाती है। इसमें क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले मूड का बदलना। जी हाँ, सामान्य उदासी इसमें नहीं आती है, लेकिन किसी भी काम या चीज में मन न लगना, कोई रुचि न होना, किसी बात से कोई खुशी न होना, यहाँ तक गम का भी एहसास न होना अवसाद का लक्षण होता है। नकारात्मक विचार। जी हाँ, हर समय नकारात्मक सोच होना, हमेशा हीन भावना से ग्रस्त होना अवसाद का मुख्य कारण होता है। शारीरिक बदलाव। जी हाँ, जैसे कि नींद न आना या बहुत नींद आना, रात को 2 से 3 बजे नींद का खुलना, और अगर यह 2 सप्ताह से अधिक चले तो अवसाद की निशानी होती है। इतना ही नहीं, अवसाद बिना किसी एक खास कारण के भी हो सकता है। ये धीरे धीरे घर कर लेता है और बजाय मदद की कोशिश के आप उसी से संघर्ष करते रहते हैं। दिमाग के रसायन अवसाद की हालत में किस तरह की भूमिका अदा करते हैं, अभी तक ये पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है, मगर ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि ये सिर्फ दिमाग में किसी तरह के असंतुलन की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसका बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है
ऐसे में आपके फैमिली मेंबर्स, रिश्ते और आपके सहयोगी और मित्रों का सहयोग लाइफ में। अगर आपके जीवन में रिश्ते सही नहीं हैं, कटु हैं, तो आपके पास लाख चीज़ें हों लेकिन आपका जीवन सरल, सुगम और व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं हो सकता है। आपकी दुश्वारियाँ बढ़ती जाएंगी, आप सुविधा लैस हो सकते हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, आप खुश नहीं हो सकते हैं। इसीलिए खुश सबसे ज़्यादा और सही से स्वस्थ रूप से दुनिया में शोध किया गया तो उम्र वहीं गुजार पाए हैं जिनके रिश्ते बेहतर रहे हैं, जिनके पास आर्थिक सुदृढ़ता रही है वो भी नहीं रह पाए हैं उनके जितना खुश यानी कि हेल्दी और फिट, जो कि जिनके पास रिश्ते रहे हैं अच्छे, खुशनुमा माहौल रहा है, रिश्ता अच्छा रहा है, वो लोगों ने जैसे लाइफ को जिया है। तो लाइफ की बेस्ट कुंजियों में से एक ये कुंजी भी है कि आपके रिश्ते बेहतर होने चाहिए, इसीलिए रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करें, लेकिन रिश्तों की भी अपनी अहमियत है, उसको निभाना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार कड़े अनुभवों से गुजरना पड़ता है बट फॉरगिव करके समटाइम्स आपको स्टेप आगे बढ़ा करके सही सटीक कदम उठा करके रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी हो जाता है। यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो, पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। अंत तक आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं इस बात की बेहद खुशी है हमें, दिल से धन्यवाद आप सभी।